और हमारी ये दोनों फुल्ली लोडेड बाइक देख सकते हो। क्योंकि महादेव का ये प्राचीन मंदिर साल से भी पुराना मंदिर है, बट फिर भी ये मंदिर किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। और तीरथ तो ये एक भिवंडी है और रहने वाला ही वाराणसी से दोस्तों, तो जहाँ पर हमने अपनी ज्योतिर्लिंग सीरीज जो यहाँ पर शूट की थी। कि कहा जाता है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर की तरह बनाया हुआ मंदिर पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं है। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। की डेट ऑफ जर्नी दोस्तों 3 दिसंबर और अभी बज चुके सुबह के 9 और मैं आ चुका हूँ आज अंबरनाथ के शिव मंदिर में एक्सप्लोर करने के लिए। जो कि आपको बताएगा कि बहुत टाइम से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर रहे थे और यूट्यूब में भी कमेंट्स आ रहे थे कि अंबरनाथ के शिव मंदिर को एक्सप्लोर करो, तो स्पेशली अजिंक्य मेरा दोस्त तेरे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हो मेरे साथ आज, मेरे साथ हमेशा की तरह सचिन और हमारी ये दोनों फुल्ली लोडेड बाइक देख सकते हो, मस्त एकदम। सचिन ने रिसेंटली यहाँ पर एक टॉप बॉक्स लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सचिन ने कहाँ से लिया टॉप बॉक्स? अभी इसका एक रील आएगा मेरे स्टोरीज ऑन राइड इंस्टाग्राम चैनल पे, तो उसपे मैं पूरे डिटेल्स बताने वाला, तो देख लीजिए। तो दोस्तों ये टॉप बॉक्स जल्दी अपने गाड़ी में भी दिखने वाला है। तो चलो चलते इस वाले राइड को और इस मंदिर के हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं। तो जो भी चैनल अपने हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और हम आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। गणपति बाप मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। तो जैसे देख सकते हो अपनी बाइक यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर सचिन और ये मैं, और अभी मैं हम हैं दोस्तों शिलपाटा रोड पर। तो ये हम जो यहाँ से शिलपाटा रोड का जो डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 30-32 किलोमीटर का राइड होगा हमारा। तो चलो चलते हैं और आज की इस ब्लॉग की और इस राइड की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंबरनाथ के महादेव मंदिर के दरवाजे पर। देख सकते हो वहां पर हमने हमारी बाइक्स को पार्क किया है और यहां पर हमने महादेव का टी शर्ट पहन लिया जो मैंने वाराणसी से मैंने मेरे लिए और सचिन के लिए लाया था। देख सकते हो वहां पर उसने पहन लिया है और मेरे पीछे अब देख सकते हो यहाँ पर अंबरनाथ का शिव मंदिर। तो चलते हैं अंदर, आगे गेट है, गेट से अंदर जाएंगे और सब कुछ अंदर आपको डिटेल में हिस्ट्री के साथ दिखाएंगे। चलो चलते हैं। जैसे कि हम आगर पहुंच चुके हैं अंबरनाथ के शिव मंदिर में, देख सकते हो मेरे पीछे जो कि महादेव का ये प्राचीन मंदिर ऑलमोस्ट मोर देन 11th सेंचुरी का टेम्पल है, तो 1100 साल 1200 साल से भी पुराना मंदिर है। और अगर मंदिर की बात करूँगा तो मंदिर का जो बांधकाम चल रहा था बीच में रुक गया था, बट फिर भी ये मंदिर किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। और मुंबई में और काफ़ी पूरे महाराष्ट्र में इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो चलो चलते हैं और मंदिर के पहले मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ और पहले दर्शन, सबसे पहले दर्शन करेंगे। देख सकते हमने टिक्का लगाया और दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर सिनेमेटिक शॉट देखेंगे और कुछ हिस्ट्री जानेंगे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जो कि हम इस वीडियो में एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे कि कहा जाता है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर की तरह बनाया हुआ मंदिर पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं है। और न जाने कितने समय से दोस्तों इस मंदिर को एक्सप्लोर करना था, इसकी हिस्ट्री जाननी थी। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं आज अंबरनाथ के शिव टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए और इसकी हिस्ट्री जानने के लिए। तो दोस्तों पूरी दुनिया में फेमस अंबरनाथ का ये शिव मंदिर 11th सेंचुरी में बना, भारत का एक ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल टेम्पल है। और दोस्तों हिंदू समाज में इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो 963 ईयर्स बाद भी इस टेम्पल की, जो कि महाराष्ट्र के एक सिटी मुंबई में बना हुआ अंबरनाथ शिव मंदिर, इसकी पूजा आज भी की जाती है। साथ ही इस मंदिर को अमरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और पुरातन शिवालय भी कहा जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि शिलाहार राजवंश के राजा चित्तराज इन्होंने ये टेम्पल ऑलमोस्ट 11वीं सेंचुरी में बनाया था, जो कि आज देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर खड़ा है। तो चलो चलते हैं दोस्तों अंदर, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। क्योंकि दोस्तों मंदिर में जाते ही आपको तुरंत शिवलिंग के दर्शन करने नहीं मिल पाएंगे क्योंकि
क्योंकि इस मंदिर में शिवलिंग जमीन से बहुत ही दूरी पे, बहुत ही नीचे, ऑलमोस्ट 20 सीढ़ियाँ नीचे चलकर जाना पड़े। देख सकते हो इस तरह 20 सीढ़ियाँ नीचे चलकर जाने पर आपको शिवलिंग के देख सकते हो ये दर्शन मिल पाएंगे। और दोस्तों जो मन को शांति मिलती है इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने पे देख सकते हो, वो शांति की कुछ बात ही अलग है। तो दोस्तों मंदिर में हमने दर्शन कर लिया, देख सकते हो बाहर आ चुके हैं। बाहर आगे आपको इस तरह छोटे छोटे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी दिखेंगे, जो कि मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पर। अब जैसे आगे जाएंगे तो आगे आपको देखने मिलेगी हमारे श्री गणेश जी की मूर्ति, आगे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति आप देख सकते हो, जो कि ज्योतिर्लिंग भले ही नहीं पर दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इस टेम्पल को अपनी कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। जो कि दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो इस टेंपल को बनाए हुए हर एक पत्थर पे आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुरातन नकाशे बनाए गए, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाए गए और बहुत ही बेहतरीन फॉन्ट्स भी इस टेंपल के हर एक पत्थर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे बेहतरीन टेम्पल्स की तरह ये टेम्पल दिखता है आपको। और कहा जाता है कि जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, जिस राजा ने, उन्हीं के सुपुत्र ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया था। और दोस्तों इस व्लॉग की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मंदिर के ऊपर शिखर को देखोगे तो इस मंदिर के शिखर का काम ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से शिखर पूरी तरह से बन नहीं पाया था। लेकिन अगर वो बन जाता तो दोस्तों भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ और एक ज्योतिर्लिंग अंबरनाथ महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता। तो जैसे कि देख सकते हो हमें हमारे YouTube कम्युनिटी के दो दोस्त मिले और यहाँ पर देखते हो ये है विकास, विकास राइट, और आपका नाम क्या? धीरज, विकास और धीरज। तो ये आए कहाँ से, कहाँ से आप दोस्त? भिवंडी और रहने वाला ही वाराणसी से दोस्तों। तो जहाँ पर हमने अपनी ज्योतिर्लिंग सीरीज जो यहाँ पर शूट की थी वहाँ से आए, तो अच्छा लगा इनसे काफी मिलके। तो वाराणसी जो हमारे मुंबई के अंबरनाथ के टेंपल में आए, तो कैसा लग रहा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार अच्छा आया हूँ मैं और बाकी बहुत अच्छा लगा इधर आने में, आपसे भी मिलके बहुत खुशी हम लोग को। हमें भी अच्छा लगा मिलके। तो ऐसा ही है हमारा जो अंबरनाथ का जो मंदिर दर्शन करिए और सारा एक्सप्लोर करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को पता चले, ऐसा अच्छे से शूट करिए। शुभकामना देता हूँ आपको अपने न्यू चैनल के लिए, ठीक है? तो दोस्तों ये ब्लॉग अब यहीं पर एंड कर रहे हैं, हो चुका सारा। हमने टेंपल का दर्शन कर लिया, सिनेमेटिक एंजॉय कर लिया और हिस्ट्री आपने वॉइस ओवर में मिली, आपको पता चली गया हिस्ट्री भी। तो ये ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और याद से कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और ये दोस्त से इनका चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, इनको भी सर्च कर लीजिएगा। तो मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज उमेश saying bye to you guys from traveler boy umesh jai hind।